देखो आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। थोड़ा सर्च करिए गूगल पे यूट्यूब पे कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी से कौन करोड़पति बना और कैसे बना है। लाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन से लोग कैसे करोड़पति बने, बिटकॉइन से लोगों ने कितना पैसा क्यों कमाया। ठीक है, अगर हम सब लोगों की सोच, अगर हम यहाँ एक का डबल, डबल का ट्रिपल, ट्रिपल का 4 टाइम करने की सोच से आए ना, तो क्रिप्टो करेंसी में ये सिर्फ छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। क्रिप्टो करेंसी लाइक शेयर मार्केट और ये चीज़ें लोगों को 1,000 गुना, 1,000 टाइम, 10,000 टाइम तक लोगों को दे के जाती है, राइट। यहाँ क्रिप्टो करेंसी में आपको जब भी आना है कि आप में सबसे बड़ी पेशेंस, और पेशेंस जिसके अंदर है ना उसकी वैल्यू उतनी बड़ी है। मैंने मेरा लास्ट एक ऑडियो निकाला है, उसमें मैंने एक लेबर क्लास से लेकर एक कंपनी का ऑनर, एक दिन से लेकर 5 साल वाले की सोच बता दी है। उस सोच पे अगर आप चलते हो, एक दिन, 2 महीने, 3 महीने, अगर आप में पेशेंस ये लेके आए हो, तो क्रिप्टो करेंसी आप मत करो। पॉलोनिक्स पे ट्रेडिंग, बिट्रैक्स पे ट्रेडिंग, नोवा पे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करना डेली वो तो दिहाड़ी वाले लोग हैं, और ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास 10 बिटकॉइन, 50 बिटकॉइन, 100 बिटकॉइन है, तो वो 10% डेली निकाल लेते हैं। ठीक है, और दे आर प्रोफेशनल, 5 5 साल, 8 8 साल के। ठीक है ना, यहाँ एक भी पर्सन नहीं है इसके पास 20 बिटकॉइन हो, 10 बिटकॉइन हो, चैलेंज करता हूँ मैं। ठीक है, और वो बहुत बड़े लोग हैं यार, तो पॉलोनिक्स बिट्रैक्स पर ट्रेडिंग करते हैं डेली, तो वहाँ तो सोच मेरी भी नहीं जाती है, ना आप लोगों की जानी चाहिए। दूसरी चीज़, अब क्रिप्टो करेंसी में हम क्यों आए, क्रिप्टो करेंसी हमने आज इन्वेस्ट किया, चाहे आपने 5,000 का कोई अपने क्रिप्टो करेंसी खरीदा हो, या 50,000 का क्रिप्टो करेंसी खरीदा हो, या 1 लाख का क्रिप्टो करेंसी खरीदा हो, कोई भी खरीदा हो आपने। ठीक है, हमने सब सब हम डिसेंट्रलाइज ही खरीदते हैं। ठीक है, नोवा पे भी डिसेंट्रलाइज कौन है, बात करें पोलोनिक्स पे भी है, बिटेक्स पे भी है। हम कम रेट पे खरीदा, जितना बड़ा पेशेंस आपका है उतना बड़ा प्रॉफिट आप लेके जाओगे। 2009 में, 2010 जिसने बिटकॉइन खरीदा, उस समय कुछ सेंट का था, 2011 तक आते आते 6,000, 12,000, 2012 तक आते आते 10,000, 12,000 का हुआ। जिसने 10,000, 12,000 बेच दिया, उसने कुछ ही लाख रुपए कुछ ही कमाया। अब मुझे एक चीज बताओ, जिसने 2011, 2012 में बेचा होगा 10,000 के भाव से, 12,000 के भाव से, उसने ज्यादा पैसा कमाया होगा होल्ड करके, या जिसने उसी टाइम होल्ड करके रखा होगा, जिसने आज 2 2.5 लाख पे बेचा होगा, उसने पैसा ज्यादा कमाया होगा। आप खुद इसको आप कंपेरिजन कर सकते हो। अगर आप आज कोई भी कॉइन आपने खरीद लिया है 1 रुपए पे, 2 रुपए पे, उसको सोचो हम 4 5 रुपए बेचेंगे, तो क्यों आए क्रिप्टो करेंसी में। आप प्रॉपर्टी खरीद लो फिर, तो लाखों रुपए लगाकर प्रॉपर्टी खरीद लो, 2 का 4 कर लो, सट्टा खेल लो। जो भी ये स्कीम है, स्कीमें हैं अपने अपने एमएलएम कंपनियां होती हैं, 10% दे रही, 20% दे रही है, वो कर लो। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर हमें 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है मंथली, तो बेचने के लिए। अरे जब 5,000 में आपको 5 लाख रुपए मिल सकता है 1 साल बाद, तो आप वहां क्यों नहीं सोच रहे। आप अभी ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे अभी कॉइन सेल करना है, मुझे अभी, देखो वही बात है, मेरा पुराना ऑडियो सुने आप, कि आपकी अगर लेबर क्लास वाली सोच है कि हमें आज सुबह ही कमाना है, सुबह ही मेहनत करनी है, सुबह ही आज का पैसा हमें आज चाहिए और हमें खर्च कर देना है, या फिर वो सोच रखनी है आपको इन्वेस्टर की, कंपनी ओनर की, जो 5 साल मेहनत करते हैं, 5 साल अपना एम्पावर खड़ा करते हैं, और 5 साल एम्पावर खड़ा करने के बाद जिंदगी भर उसका मजा लेते हैं। तो मेहनत करें। क्रिप्टो करेंसी उन्हीं लोगों के लिए जो FD RD की तरह इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी को साल 2 साल के लिए छोड़ नहीं सकते, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो क्रिप्टो करेंसी नहीं है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, रिपल हो, आपको 1 रुपये कमा के नहीं देगी। आज चैलेंज यू, पॉलोनिक्स सर्च कर लो, बिट्रैक्स सर्च करो, जिन लोगों ने 1 2 2 महीने के लिए रो रहे हैं आज, वो रो रहे हैं। ये क्रिप्टो करेंसी देती ही नहीं है। अब शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जो लोग 1980 में, 90 2000 में, 2005 में, 2005 में जिन लोगों ने शेयर खरीद के छोड़े, आज वो कमा रहे हैं पैसा। क्यों? उस समय वैल्यू है, समय के साथ बढ़ती है ना वैल्यू यार। इकोनॉमी है, इकोनॉमी समय के साथ बढ़ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है, तो अब ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है ना, मार्केट पे। तो आपको अगर क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, कहीं भी आप चीज वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीजें लॉन्ग टर्म होती है, सिर्फ लॉन्ग टर्म, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। और जिसका जितना बड़ा पैशेंस है उसने उतना बड़ा पैसा कमाया। 2010 में जिसने बिटकॉइन खरीदा, हमने कोई भी चीज इतने लो लो रेट पे ली, जितना साल बीतते गए, इतने साल बीतते गए, उतने साल उसने बहुत बड़ी ग्रोथ के साथ पैसा अपना, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 टाइम्स नहीं, 100 टाइम, 1,000 टाइम तक उसने पैसा कमाया है।
तो जितना बड़ा यहाँ पर जो भी पर्सन है किसी भी कॉइन के अंदर आप लोग हो, जितना बड़ा आपका पैसेंस है उतना बड़ा प्रॉफिट है। आप लोगों के पास पैसेंस है सिर्फ 2 4 5 दिन का, तो उतना ही प्रॉफिट कमा पाओगे अपने मनी को लेकर, ठीक है, चाहे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया हो या 5 हजार इन्वेस्ट किया हो। अगर आपके पास 6 महीने का पैसेंस, तो 6 महीने में जितना पैसा प्रॉफिट देके जाएगा उतना ही कमा पाओगे, और जिसका उससे भी ज़्यादा बड़ा उसका पैसेंस है 1 साल 2 साल का, उतना बड़ा पैसा कमाएगा। आज गूगल करें, विकिपीडिया करें, यूट्यूब करें, जिन लोगों ने बिटकॉइन के अंदर उस समय इन्वेस्टमेंट किया था और आज जाके सेल किया, वो करोड़पति नहीं मिलीनियर हैं, बिलीनियर हैं आज के टाइम में, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो करेंसी को सर्च करें, समझें क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके बारे में डिटेल लें, अपनी नॉलेज गेन करें। प्लीज बी पेशेंस, क्योंकि की ऑफ सक्सेस पेशेंस। थैंक यू सो मच। देखो आप लोग